हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपी क्लासेस। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें मेन हम ये समझने चाह रहे हैं कि आर्थर टर्मिनल मोटर क्यों होता है। आपने देखा है आपके घर पे जो सिंगल फेज सप्लाई होती है, उस सिंगल फेज सप्लाई में हमारे पास तीन टर्मिनल होते हैं, है ना। वी हैव थ्री टर्मिनल्स जिनको हम कहते हैं फेज न्यूट्रल एंड अर्थ। ये तीन टर्मिनल होते हैं हमारे, ठीक है। अब ये होता है कि ये जो अर्थ टर्मिनल होता है, ये इसका हमें डायमीटर ज्यादा दिखता है, जिसको हम सामान्य भाषा में बोल सकते हैं कि ये मोटा होता है, और बाकी जो फेज और न्यूट्रल होते हैं ये हमारे सेम डायमीटर के होते हैं, ठीक है। तो आज हम समझते हैं कि इसको हम मोटा क्यों बनाते हैं, इसका डायमीटर ज्यादा क्यों होता है, एज वेल एज हम कह सकते हैं इसकी लेंथ भी ज्यादा होती है, है ना। इसकी हम यहाँ पे देखें तो इसकी लेंथ भी ज्यादा होती है। तो ये दो बातें हम यहाँ पे समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने यहाँ पे प्लग बना के रखा है और इस प्लग के मैंने टर्मिनल शो कर रखे हैं, ठीक है। अब इस ऑब्वियसली ये एक कंडक्टर मटेरियल है, जिसमें हमारे कंडक्टर मटेरियल कनेक्ट होंगे। यहाँ से हमारे तीन टर्मिनल रहेंगे, तीनों वायर इसमें कनेक्ट रहेंगे इंटरनली यहाँ पर। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि जो डायमीटर है, डायमीटर ज्यादा है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि लेंथ लेंथ भी ज्यादा है, ओके। दोनों चीजें यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो ये हम समझेंगे यहाँ पे कि ऐसा क्यों है। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी ये आती है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। यदि हम यहाँ पर बात करें कि व्हाट इज रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या होता है, तो आर जो होता है ये इसका सिंबल कुछ इस तरह होता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है ना। इसको हम प्रतिरोध कहते हैं, और जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उनका कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है। तो रेजिस्टेंस की यदि परिभाषा या डेफिनेशन की बात हम करेंगे, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, है ना। क्या करता है ये, जैसे फॉर एग्जांपल माना जाए कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, ओके, दिस इज अ रेजिस्टेंस, और इससे कोई करंट आर फ्लो हो रहा है, ओके, और ये करंट आई निकल रहा है, आई फ्लो हो रहा है, और जैसे आई निकल गया तो ये जो रेजिस्टेंस है इट विल अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, है ना। रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट के फ्लो होने को अपोज करेगा, और इसको हम इस फॉर्मूले से मेंशन करते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल टू द रो इनटू एल बाय ए। यहाँ पे क्या है एल के, आर क्या है, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल, इसको हम ओम में मेजर करते हैं, राइट। एंड रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल दैट इज मेजर्ड इन मो, एंड एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन मीटर, एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेसिकली वो है कौन सा, हमें क्रॉस कभी कभी स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द दिस कंडक्टर। इट मीन आप ऐसा समझे कि यदि मैं इसको यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊ, तो इस पोर्शन को राइट आई कैन ड्रॉइंग अपोजिट डायरेक्शन, इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि ये सिर्फ इतना एरिया है ना, इतना एरिया ये कहलाता है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन ये है हमारा ए, ये होता है मीटर में, ठीक। अब यदि हम देखा जाए यहाँ पे आर, तो आर हमें दिखाई दे रहा है, यदि ये कांस्टेंट मान ली हमारा, रो इज अ ऑब्वियस कांस्टेंट, किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट होती है। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट ऑब्जर्व कर सकते हैं, पॉइंट नंबर वन, कि जो आर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड R is inversely proportional to the cross-sectional area of the conductor. इस प्रॉपर्टी को यदि हम ध्यान दें
तो हम क्या पाएंगे यहाँ पर कि यदि लेंथ, यदि कंडक्टर की लेंथ हमारी ज्यादा रहेगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। यदि लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक। एंड यदि यहाँ पे देखा जाए, एरिया यदि हमारा ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। अब आप यहाँ पे प्लग को देखिए कि इसकी लेंथ भी ज्यादा है और इसका क्रॉसनल एरिया भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू फेस एंड न्यूट्रल, है ना। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कंपेयर करेंगे तो इसका क्रॉसनल एरिया और लेंथ दोनों ही ज्यादा है। तो देखिए हमें एक तो क्या लेंथ पर इंक्रीज करनी है, ठीक है, दूसरा साथ ही साथ हमें क्या करना है कि हमारा रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम जब इसको डिजाइन कर रहे हैं तो एक चीज सपोर्ट में है और एक चीज अपोज में है। देखिए लेंथ इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ गया, और दूसरे केस में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है। यदि हम एरिया हाई रहे और एरिया यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा कि एक चीज जितनी बढ़ रही है उतनी ही कम हो रही है। लेकिन अब डिफरेंस देखिए कि यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब से फॉर एग्जाम्पल यदि आप इस नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, जैसे ये हमारा सॉकेट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है और इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें आर का रिलेशन हमें पता है, आर इज इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए, ठीक है। अब मान लीजिए आपके घर की एक थ्री फेज सप्लाई है, आपके घर की ये थ्री फेज सप्लाई है, इस तरह इसे मैं यहां बना देता हूँ, ज्यादा आसान है, ठीक है। ये हमारी थ्री फेज सप्लाई है, यहाँ पे आपने बनाया है आर्क टर्मिनल, यहाँ पे अपना दिया बना दिया फेस, यहाँ पे बना दिया अपने न्यूट्रल, ओके। ये हमारे तीन टर्मिनल हो गए। तो अब इन तीन टर्मिनल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो अर्थ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, फेस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ हमारी ये कोई बॉडी है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके घर का कूलर है और आपका कूलर यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज योर कूलर, और इसको आपने कनेक्ट किया है, है ना, इसको आपने इस सप्लाई से कनेक्ट कर देता है। तो ये जो अर्थ टर्मिनल है, दिस इज कनेक्टेड विद द बॉडी, है ना, कूलर की बॉडी से कनेक्ट देता है, और जो फेज न्यूट्रल है हमारा वो फेज से और यहाँ पे न्यूट्रल से, मतलब इसमें भी हमें दो टर्मिनल्स मिलेंगे कूलर से, तो फेज और न्यूट्रल, और ये बॉडी से कनेक्ट होता है। अब अर्थ टर्मिनल बेसिकली हमारा प्रोटेक्टिंग टर्मिनल होता है, अर्थ टर्मिनल हमारा प्रोटेक्टिंग टर्मिनल होता है, है ना। हम अर्थ क्यों लगाते हैं, ताकि हम किसी भी शॉक से, करंट से, है ना, बच सके, ठीक। तो ये बॉडी से कनेक्ट होता है। अब यदि हम माने फॉर एग्जाम्पल कि इनिशियली कुछ चार्ज इस पे अवेलेबल है, चार्ज है ना, थोड़े से करंट इस पे, जैसे मान लीजिए कूलर आपने ऑपरेट किया तो कुछ ना कुछ चार्ज एक्युमुलेट हो जाते हैं बॉडी पे कभी कभी, ठीक है, या फिर इसका इसमें कहीं फेस कहीं बॉडी में टच हो गया हो गलती से, या मिसकनेक्शन हो गया हो, या कहीं इंसुलेशन लूज हो गया हो, तो उस समय भी ये जो करंट है ये इस तरह पास होता है और हमारे अर्थ टर्मिनल पे जाता है। यदि अर्थ टर्मिनल नहीं रहेगा और हम यदि इसको टच कर देंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी से यदि कॉन्टेक्ट में आता है, इफ बॉडी कॉन्टेक्ट, तो आपको शॉक लग सकता है, ठीक है, तो करंट लगेगा आपको, ठीक। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थ टर्मिनल लगते हैं, ठीक है। अब अर्थ टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट रहेगा तो क्या होगा, हमने यहाँ पे देखे है दो पॉइंट, एक पॉइंट में आर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और दूसरे पॉइंट में आर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये किस में जाता है, जब लेंथ हाई है ना, और ये कब कम हो रहा है, जब हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कम रहेगा तो क्या होगा कि जिस पाथ का रेजिस्टेंस कम होता है,
है ना, जिस पार्ट का रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट पहले फ्लो करता है, हमें बहुत बेसिक रूल है पता है ना। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे दो कंडक्टर है हमारे आर वन एंड आर टू, तो यदि आर वन इज लेस देन आर टू तो ऑब्वियसली करेंट यहीं से फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉससेक्शनल एरिया बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है, और तो करंट पहले इससे फ्लो होगा, ये बात हमें क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है कि यदि हमारा इसकी लेंथ ज्यादा है इस कंपेयर में, तो जब हम इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा कि पहले अर्थ टर्मिनल कनेक्ट होगा, है ना, पहले क्या होगा, पहले अर्थ टर्मिनल कनेक्ट होगा। तो अर्थ टर्मिनल से कनेक्ट होने से ये जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस है, जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस है ये कहाँ चले जाएंगे, ये अर्थ टर्मिनल से पास हो जाएंगे ग्राउंड, ठीक है, ये अर्थ टर्मिनल से पास हो जाएंगे और उसके बाद हमारे फेज और न्यूट्रल कनेक्ट होंगे। अब जब ये एक्स्ट्रा चार्ज चले गए, अब इसके बाद यदि आप गलती से हमारी बॉडी से टच भी होती है तो हमें क्या होगा, शॉक नहीं लगेगा, ठीक है, इसी वजह से। तो ये दो कारण क्या हो गए, लेंथ क्यों चाहिए ज्यादा, ताकि फेज और न्यूट्रल से पहले हमारे अर्थ टर्मिनल कनेक्ट हो ताकि एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो हमारे ग्राउंड हो जाए, और दूसरा उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस कम होता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा रखने से। तो ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम इस तरह के कनेक्शन बनाते हैं। यह हमारा सॉकेट में एक टर्मिनल मोटा होता है जिसको हम अर्थ टर्मिनल समझते हैं, बाकी दो फेज और न्यूट्रल सेम डायमीटर के होते हैं, इनके डायमीटर और लेंथ में कोई अंतर नहीं होता है, और फेज के डायमीटर और लेंथ दोनों ज्यादा होते हैं। तो एक से बेनिफिट मिला हमें कि वो बॉडी से पहले टच होगा, और दूसरे से बेनिफिट मिला कि उससे करेंट पहले पास हो जाएगा। तो यही दो कारण है हमारे पास जिसकी वजह से हम सॉकेट को और प्लग को इस तरह डिजाइन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही बहुत से वीडियो कंटिन्यूसली बनाते रहूंगा। थैंक यू लिसनिंग दिस लेक्चर।